गाइस, तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ में बहुत ही प्यारा एंड सिंपल सा विंटर मेकअप लुक, जिसमें क्या होता है ना भाई, विंटर में ड्राई पैचेस हो जाते हैं फेस में, मेकअप करने के बाद भी वो दिखते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको कैसा मेकअप करना है, किस तरीके से करना है, तो मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। सब मैं आपको दे देती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। सो हेलो, थैंक यू फॉर व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड या दिस इज मी स्नेहा। तो आज मैं विंटर के लिए बहुत ही स्पेशल सा ग्लासी एंड डुई सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा मेकअप के बाद का फेस, जैसे कि बहुत ही ग्लासी एंड डुई लग रहा है, एंड इस टाइप की जो मैं पिक्स दिखा रही हूँ उस टाइप की स्किन हो जाती है विंटर में। तो ऐसी स्किन ना हो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा। ऑल्सो गाइस, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई कैसे करना है आपको आपकी स्किन को ड्यूई एंड ग्लासी सा। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं यहां पे यूज कर रही हूं मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि होता है स्किन केयर। विंटर हो या समर, आपको स्किन केयर करना ही करना है। तो मैं यहां पे यूज कर रही हूं गुड वाइब्स का रोज वाटर। ये काफी अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ में विंटर के लिए काफी बेस्ट है। आपकी स्किन काफी जैसे हाइड्रेट रहती है, एंड आपको क्या चाहिए तो आप इसे अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन स्मूथ रहती है, बिल्कुल ड्राइनेस से फील नहीं आता है। सेकंड मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का रोज एक मॉइस्चराइजर, एंड यू नो सेकंड स्टेप होता है हमारा सीरम, जो कि अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। एंड ये ना फिनिश हो गया, मैं सेकंड टाइम जरूर परचेस करूंगी। अगेन ये भी काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, जो कि हमें विंटर में चाहिए होता है। भाई ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत होती है ना, यहाँ ड्राई स्किन, तो विंटर में ना और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है मेरी स्किन। तो इसके लिए मैं भर भर के मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, लाइक ऐसी चीजें अप्लाई करती हूँ कि मेरी स्किन को काफी हाइड्रेट करे। तो आपको मॉइस्चराइजर, टोनर, सीरम बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिप बाम, जो कि है बायोटिक का, एंड ये बहुत ही प्यारा सा लिप बाम है। इसको लगाने के बाद लाइक मेरे लिप्स काफी ज्यादा हाइड्रेट रहते हैं, सो मुझे काफी पसंद है। एंड उसके बाद यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरी स्किन को ज्यादा हाइड्रेट करने के लिए, जो कि है ऑयल प्राइमर, ये स्टेकोवर्की का, एंड बहुत अमेजिंग है गाइज। ये मेरा बहुत फेवरेट प्राइमर है, बिकॉज ये ना एज अ बिल्कुल ड्राई स्किन के ऊपर ना बिल्कुल सूट करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी स्किन विंटर में सिर्फ ड्राई हो जाती है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सीजन में मेरी स्किन ड्राई ही रहती है, तो मैं इसे हर टाइम में यूज़ कर लेती हूँ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, बिकॉज ये ऑयल प्राइमर है, काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, साथ में बहुत अच्छा सा लुक आता है, ड्यूइनेस भी आ जाती है फेस पे, एंड बिल्कुल भी ड्राई पैचेस नहीं दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड गाइस तो बारी है फाउंडेशन की, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नायका का फाउंडेशन। एंड गाइस अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर करी है टॉप 3 फाउंडेशन की, तो प्लीज चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, काफी अच्छे से फाउंडेशन मैंने शेयर करे हैं। तो ये क्या है ना गाइस, इसे आपने सॉरी फॉर दैट, इन लोगों को मेरे वीडियोस क्राइम पे ही निकलना होता है। सो ये जो फाउंडेशन है आप इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर सकते हो, साथ में इसे ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी ड्यूई फाउंडेशन है। एंड ना मुझे ये आपको मैट लुक भी प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आपकी स्किन पे ड्यूइनेस भी लाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, कितना ईजिली ब्लेंड हो रहा है। एंड इसके अलावा एक और फाउंडेशन मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक, तो मेरी वीडियो ना जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत अमेजिंग है। सो ये इस तरीके से फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। एंड डेली में ना मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ, बिल्कुल भी मैं ज़्यादा सा सब कुछ लेके नहीं बैठती, मैं जल्दी वाला मेकअप कर लेती हूँ। तो आप विंटर में इस टाइप से मेकअप करके जा सकते हो, एंड गाइस कवरेज भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो इस फाउंडेशन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश, तो ब्लश तो भाई बनता ही है लगाना अपने फेस पे, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कोरल ब्लश, लाइक इसका शेड है कोरल। एंड ये ना फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो जाता है, आप इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। अगेन मैं आप सारी क्रीम टाइप की चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैं पाउडरी फॉर्म वाली चीज़ें यूज़ करूँ ना तो मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी, तो इस वजह से सिंपली मैंने ब्लेंड कर ले, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई। आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद ना एक फेस को डेफिनेटली शेप मिल जाता है। एंड आईब्रो पेंसिल यूज़ क्यों करनी चाहिए उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज हम लोग फाउंडेशन लगा लेते हैं तो हमारी आईब्रोज में बैठ जाता है, लाइक कवर अप हो जाता है, तो आईब्रो पेंसिल आपको लगाना ही लगाना है। ये है ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल, मैं बताना भूल गई। तो यार ये डन हो चुका है, एंड अब बात कर लेते हैं लाइक तो अभी यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग हाइलाइटर, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिक्विड हाइलाइटर NYPK का, एंड ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हाइलाइटर है गाइस, एंड मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। इसको लाइक परचेज किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक ये चल रहा है। एंड ये जो शेड है मुझे याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
अगेन ये भी आप फिंगर की तरफ से ना काफी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे कोई भी पाउडर फॉर्म वाली चीजें नहीं यूज कर सकती, लाइक कर रही हूँ, बिकॉज पहले मैंने आपको क्लियर करा, आप यूज करोगे ना तो आपकी स्किन काफी ड्राई हो जाएगी। अगेन अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप यूज कर सकते हो। तो अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, इसके बाद में मेरी स्किन और भी ज्यादा ग्लासी एंड ड्यूई लगने वाली है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप ना ऐसे अप्लाई करोगे तो और भी ड्यूनेस लगेगी आपके फेस पे। सो यार ये मेरा जो स्किन है इस टाइप की हो गई है, मेरी स्किन हो गई इस टाइप की। एंड जितना बचा कुछ हाईलाइटर है उसको मैं अपने नेक पे अप्लाई कर लूंगी, जिससे कि मेरी नेक भी ना काफी यू नो हाईलाइट करे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल, नेम मैं भूल गई थी। सो आप यहाँ पे काजल यूज कर सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। एंड मैंने यहाँ पे ना ज्यादा कुछ ज्यादा हैवी सा कुछ भी क्रिएट नहीं कर रखा है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आईलैश कर्लर, ये है कलर बार का आईलैश कर्लर, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कोई भी आईलैश कर्लर। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का मस्कारा यूज कर रही हूँ, जो कि है डुओ मस्कारा। एंड पर्सनल रिव्यू भी मेरे चैनल पे इसका अवेलेबल है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अमेजिंग मस्कारा है। दोनों चीजें आपको एक साथ मिल जाती है, लेंथनिंग एंड वॉल्यूमाइजिंग, तो यू नो वर्थ ऑफ मनी है। तो या अच्छे से आपको इसे अप्लाई कर लेना, मैं मस्कारा पर्सन हूँ। सो आप यहाँ पे लाइनर पे अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे लाइक डेली बेसिस के अकॉर्डिंग मुझे मस्कारा लगाना काफी पसंद है। एंड जब मैं लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ मुझे काफी हैवी सा लगता है, इस वजह से मैं ज्यादा लाइनर नहीं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बारी हमारी लिपस्टिक की, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ माई ग्लैम की बुलेट लिपस्टिक, एंड ये नो ड्रामा की 3 लिपस्टिक की किट है। इसे अप्लाई करने के बाद आपकी जो लिप्स काफी अच्छे से मॉइस्चराइज रहते हैं, बिकॉज ये जिसका जो टेक्सचर है ना काफी क्रीमी है एंड साथ में मैट लुक भी प्रोवाइड करती है। तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसका शेड मुझे बहुत पसंद है। सो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, मैंने पर्सनल रिव्यू भी शेयर किया हुआ अपने चैनल पे, तो यार एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। सो सेकेंड में भाई अपने फेस को सेट तो करना बनता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NYP का सेटिंग स्प्रे, एनी ड्यूई सेटिंग स्प्रे। मेरा फेस ना एक्स्ट्रा और भी ज्यादा ड्यूई हो जाएगा इसको अप्लाई करने के बाद, अभी आप देखोगे। सो मैं यहाँ पे कोई भी पाउडर वाली फॉर्म वाली चीजें यूज करी नहीं, जिससे कि मेरा जो मेकअप है वो सेट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ। एंड एक टेक्निक और है मेरे मेकअप को अच्छे से सेट करने की, जो कि ये ब्लेंडर पे अलग से मैं स्प्रे कर रही हूँ इसी सेटिंग स्प्रे को, एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ, डैब डैब कर रही हूँ, जिससे कि मेरा मेकअप इधर से उधर ना हो, बिकॉज फाउंडेशन की क्रीज वगैरह आ जाती है तो उसकी प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी। एंड मेरा मेकअप भी डन हो जाएगा, इधर से उधर नहीं जाने वाला है, एंड साथ में डुई भी बना रहेगा। एंड अभी मैं अपने हेयर कॉम करी, बिकॉज मैं बाहर जा रही थी तो मैं मेकअप लुक करती, जाहिर सी बात है, तो मैंने सोचा कि ना मैं आपसे शेयर कर दूं मेरा डेली मेकअप लुक विंटर के अकॉर्डिंग मैं कैसे करती हूं। एंड मैंने यहाँ पे क्यूट से क्लिप भी लगा रखी है, एंड हॉल शेयर करी, लिंक आपको मिल जाएगा, मेरी वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड या तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड कैसा लगा मेरा आज का आपको ये मेरा मेकअप लुक, डेली मेकअप लुक विंटर के अकॉर्डिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, तो प्लीज जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। एंड या गाइस, तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक मंडे टू सैटरडे, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, बाय।